Hello everyone, welcome to AB Education. This is the second part of the MCQ series on arrival of the Europeans. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया. ऑप्शंस है पोंडिचेरी, माहे, गोवा, चंद्रनगर. यहाँ पे पूछ रहा है कि इस ऑप्शंस में से, चारों ऑप्शंस में से फ्रेंच लोगों का सेटलमेंट कौन नहीं है, कौन से जगह में फ्रेंच लोग नहीं रहे हैं, मतलब उन लोगों का कॉलोनी नहीं है. तो करेक्ट आंसर है आपका गोवा. ठीक है, क्योंकि पोंडिचेरी, माहे और चंद्रनगर तीनों ही आपका फ्रेंच लोग का कॉलोनीज थे, गोवा नहीं थे. क्वेश्चन नंबर टू, वेयर आर द ट्रेसेस ऑफ पोर्तुगीज कल्चर फाउंड इन इंडिया. ऑप्शन है गोवा, कलिकट, कैनन और कोचीन. सो करेक्ट आंसर इज गोवा, फर्स्ट ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन इज, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1600, 1660, 1664 या 1668. तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना था? 1664. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड अ परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत इन द ईयर. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1613. क्वेश्चन नंबर फाइव, द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश 1760 वॉज फॉट बिटवीन. किनके किनके बीच में वॉन्डी वॉश का जो युद्ध हुआ था? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच. क्वेश्चन नंबर सिक्स, बॉम्बे वॉज एक्वायर्ड बाय द इंग्लिश फ्रॉम पोर्तुगीज इन द ईयर. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1662. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ग्रांटेड द परमिशन टू एस्टेब्लिश द फ्रेंच फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम. इज इट अब्दुल्ला, कुतुब शाह, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग या सलाबत जंग? करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन ए, अब्दुल्ला कुतुब शाह. क्वेश्चन नंबर एट, मैच द फॉलोइंग है. इसमें है आपका एक तरफ कंपनीज का नाम लिखा हुआ है और एक तरफ फैक्ट्रीज है. तो फ्रेंच का जो फैक्ट्री था वो है आपका पोंडिचेरी में. फ्रेंच का हो जाएगा पोंडिचेरी. इंग्लिश का हो जाएगा हुगली. डच इज मसूलीपट्टनम एंड पोर्तुगीज इज कलिकट. ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन, असर्शन है, द फ्रेंच वेर डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन द थर्ड कैनेटिक वॉर एट द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश. रीजन दे रहा है, द इंडियन रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट द फ्रेंच. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ठीक है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स. क्योंकि फ्रेंच लोग तो डिफीट हुआ था कैनेटिक वॉर, जो थर्ड कैनेटिक वॉर बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश है ब्रिटिशर्स से, लेकिन इंडियन रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट द फ्रेंच, ये गलत बात है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टेन, इन 1717 हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर हैड इशूड द रॉयल एडिक्ट टू अलाउ द बिजनेस प्रिविलेजेस टू इंडिया. ठीक है, टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. 1717 में कौन सा मुगल बादशाह थे जिन्होंने एक रॉयल फरमान जो कहते हैं एडिक्ट बोल रहा है यहाँ पे दिया था. ठीक है, तो ऑप्शन है शाह आलम टू, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फारूक सियार. आंसर है फारूक सियार. क्वेश्चन नंबर 11, हु ग्रांटेड द परमिशन टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री एट हुगली इन बंगाल. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह शुजा. क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट बोल रहा है डच ओपेंड ए फैक्ट्री एट पुलिकट इन 1609, और सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इंग्लिश बिल्ट अ फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम इन 1611. विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली. क्योंकि देखिए, इंग्लिश बिल्ट अ फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम 1611, ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन डच ओपेंड ए फैक्ट्री एट पुलिकट 1609 में, वो उन्होंने वहाँ पर लैंड किया था, मतलब वो पहुँचे थे वहाँ पे पुलिकट पे, लेकिन 1610 में जाके उन्होंने जो फैक्ट्री वहाँ पे
खोले थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग हुज रीन डिड सर थॉमस रो हैव रेगुलर अटेंडेंस एट मुगल कोर्ट टू सिक्योर कमर्शियल प्रिविलेज। ऑप्शन से अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। बोल रहे हैं थॉमस रो जो एम्बेसडर थे इंग्लिश लोगों का, वो कौन सा मुगल बादशाह के समय में कंटिन्यूसली विजिट करते थे कुछ और प्रिविलेजेस लेने के लिए और सुविधा लेने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये आंसर है आपका जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कैनेटिक वॉर। तो ऑप्शन हैं एंग्लो फ्रेंच रेवलरी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, इश्यूज ऑफ कैनेटिक सक्सेशन एंड कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिश। तो फर्स्ट जो आपका फर्स्ट कैनेटिक वॉर जो हुआ था उसका इमीडिएट कॉज था ऑप्शन नंबर डी, कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिशर्स। अगर आप लोगों ने जो लेसन है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आप लोग को पावर पॉइंट में पढ़ना है तो फिर मैं अनअकैडमी में पढ़ाती हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से कोर्स बनाया है, हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन इंडिया एमंग द फॉलोइंग लोकेशंस द डच एस्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। ऑप्शन है मसूलीपट्टनम, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार। आंसर है मसूलीपट्टनम। बोल रहे हैं अर्लीस्ट मतलब फर्स्ट फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो मद्रास का फोर्ट था। क्वेश्चन नंबर 17, कैनेटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये मैच द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 18, सो फर्स्ट कैनेटिक वॉर जो हुआ था उसका जो कॉन्सिक्वेंस था ये ऑप्शन नंबर डी, एंड बाय ट्रिटी ऑफ एक्सिलासापल। थर्ड कैनेटिक वॉर जो हुआ था ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, एंड द ट्रिटी ऑफ पेरिस। थर्ड कैनेटिक हो गया, सेकेंड कैनेटिक वॉर इनकॉन्क्लूसिव वॉर था, और फर्स्ट मैसूर वॉर ब्रिटिशर्स लॉस्ट। सो ए हो जाएगा आपका फोर, मतलब सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वारल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू टू अक्वायर टेरिटरीज। बोल रहे हैं कि कौन सा यूरोपियन थे जो जिन्होंने अपना जो समय वो व्यतीत करते थे, इंडियन जो राजाज लोग थे उनका जो लड़ाई झगड़ा होता था टेरिटरी एक्सटेंशन के लिए या अपना जो वॉर होता था उसमें वो ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, वो कौन थे? तो वो थे डुप्ले, दी फ्रेंच जो गवर्नर थे वो डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 20, इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस द फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। इसका आंसर हो जाएगा सूरत। तो फ्रेंच लोग का कंपनी 1664 में इस्टेब्लिश हुआ था और सूरत में फैक्ट्री लगा था 1668 में। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कंस्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा लुइस 14, फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉलबर्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वॉज एस्टैब्लिश बाय डच। बैंडेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। इसका करेक्ट आंसर है चिंसुरा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, द फ्रेंच फेल्ड टू एस्टैब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज English had a strong army. Question number 25. The following European powers entered into India for trade at one time or other. इस क्रोनोलॉजिकली आपको बताना है कि कब कौन आए, फर्स्ट में कौन आए। तो फर्स्ट में आए पोर्तुगीज, उसके बाद आए डच, फिर आए इंग्लिश एंड फिर आए फ्रेंच। ओके, तो 4, 2, 1, 3 बी। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। तो इधर हो जाएगा आपका हेडक्वार्टर्स बताना है किसका, कौन सा जगह पे थे। तो पोंडिचेरी था आपका, पोंडिचेरी हेडक्वार्टर्स फ्रेंच का ए टू, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका। गोवा जो था वो पोर्तुगीज लोगों का था, मतलब बी 3। ट्रैंकोवर जो है वो डैनिश लोगों का, ट्रैंकोवर आपका सी ऑप्शन जो है वो डैनिश लोगों का था, और सदराज जो है वो डच का था, ठीक है। सो
ये था एमसीक्यू सीरीज़ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का, और भी जो भी मैंने बनाया है एमसीक्यूज वो आप लोग देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखा है, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी अन अकेडमी का, आप लोग वहाँ पर जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में सीरीज़ बनाया है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। सो नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगा एमसीक्यूज़ का। सो टिल देन थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।